काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती है। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है, एक नंबर के क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रान टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, यानी कि ये एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बना देते तो बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने बोला कि PQ की वैल्यू 12 है, यानी कि ये पूरी जो लाइन है ये 12 है। QR जो है ये पूरी 15 है। RS जो है ये 14 है। और हमें SP की वैल्यू निकालनी है। SP कितनी होगी हमें निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक नंबर का क्वेश्चन है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही करना है या फिर रफ करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम की मदद से थोड़ा साफ साफ समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो। डायग्राम थोड़ा रफ जरूर हो गया है, बट कोशिश कीजिएगा समझने की। अब देखिए, ये सर्कल यहाँ इसको टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर टच कर रहा है। ओके, अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है कि सर्कल है, कोई भी सर्कल है, उसके बाहर से किसी पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे ना, दो टेंजेंट खींच दी मान लो, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 10 होगी, यानी कि दोनों आउटर पॉइंट से किसी भी सर्कल पर खींची गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगर ये 6 होगी तो ये भी 6 होगी। ओके, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अब देख लीजिए, पूरी 12 थी, ये वाली पूरी लाइन 12 है। इस हिस्से को मैं एक्स मान लेता हूँ, इस पार्ट को मैंने एक्स लिया, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट भी एक्स हो जाएगा। अब ये जो पूरा है ये हमें 15 दे रखा है, तो 15 में से माइनस एक्स हो गया। इसी को मैं आम भाषा में समझाऊं तो देखिए, ये मान लीजिए 12 था, 12 में से छोटा सा हिस्सा मान लीजिए 4 है, सपोज कीजिए 4 है, तो ये वाला हिस्सा जब 4 हुआ तो ऑटोमेटिकली ये इतना हिस्सा भी 4 हो गया, और नीचे वाला हिस्सा कितने का बचा, 15 में से 4 गए तो 11 का बचा, और 11 और 4 घुमा फिरा के टोटल आपका 15 आना चाहिए। तो अब मैंने 4 तो लिया नहीं, मैं 4 तो डायरेक्टली मैं ले नहीं सकता, मैंने x ले लिया। अब जब ये x हुआ तो ये x हुआ, अब ये x हुआ तो नीचे वाला कितना, 15 माइनस x हुआ। अब यहाँ भी इतना हिस्सा कितना हुआ, 15 माइनस x, क्यों, क्योंकि ये आउटर पॉइंट है, यहाँ से ये एक टेंजेंट यहाँ गई और ये यहाँ गई, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। अब ये पूरी 14 की थी, तो ये वाला पार्ट कितने का रह गया, ये वाला पार्ट रहा 14 माइनस 15 माइनस एक्स, यानी कि माइनस 1 प्लस एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, ये माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये होगी होगी। अब और ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा आपका 12 है, ये पूरा 12 था, इस साइड का मैंने एक्स माना, तो ये वाली बचा आपका 12 माइनस एक्स, ये अगर 12 माइनस एक्स बचा तो ये वाला हिस्सा ही 12 माइनस एक्स बचा, तो 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो बस यही फंडा है कि 12 माइनस एक्स ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और इसके नीचे वाला हिस्सा मैंने जो निकाला वो है माइनस 1 प्लस एक्स। तो टोटल करूँगा तो क्या होगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ूंगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, तो 12 माइनस 1 आंसर आ गया, 12 माइनस 1 यानी कि 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये मैंने समझा, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है बड़ा लगे, बट इतना लेंदी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो क्या रहेगी, शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी कि मान लीजिए जो भी साइड आपसे पूछी गई है, मान लीजिए ये साइड पूछी ना, तो एक तो आपको ऊपर वाली साइड देखनी, ऊपर वाली साइड कितने की, जैसे यहाँ 12 दी है, ठीक है, 12 को नोट कर लेना है, और इन दोनों साइड का डिफरेंस लेना है, बस इन दोनों साइड का डिफरेंस साइन बदल कर, तो ठीक है, तो ये 15 और 14 का डिफरेंस 1 आया, लेकिन मैंने अगर ये साइड नीचे वाली साइड छोटी रहेगी तो माइनस लगा दीजिएगा, बड़ी रहेगी तो प्लस लगा दीजिएगा, बस वही है। तो 12 ये थी और नीचे वाली साइड ये कम है, तो 15 में से 14 गए, एक बचा, उस एक को 12 में से घटाया, आंसर आएगा 11। ठीक है, एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसी जैसा, कि आप किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो। अब देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया सर्कल के चारों तरफ। ठीक है, ये बस एक समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमें ये दे दी 15, ये दे दी मान लीजिए 17, और ये दे दी मान लीजिए आपको 10। ठीक है, और आपको इसकी लेंथ पूछ ली, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, आपको ऊपर वाली साइड देखनी, इसके ये 15 है, 15
15 को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, और ये भी ध्यान दीजिए कि नीचे वाली जो साइड है वो कितने की है, छोटी या बड़ी है। छोटी है तो यानी कि माइनस करना 15 में से, माइनस करना है। दोनों का डिफरेंस आया 7, तो आंसर इसका कितना आएगा, 8 आएगा। 8 और 7 15 होता है, ये साइड आपकी 8 आएगी। तो ये तो लेंदी ये तो शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैंने बताया। अब जो नॉर्मल जेन्युइन तरीका है, इसको मैं एक्स मानता हूँ, तो ये एक्स हो जाएगी, ये 17 माइनस एक्स हो जाएगा नीचे वाला पार्ट। अब ये 17 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी 17 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट 17 माइनस एक्स हुआ, तो ये वाला पार्ट कितना हो, ये होगा 10 माइनस 17, माइनस एक्स था तो प्लस एक्स हो गया, ये हुआ। अब ये नीचे वाला पोर्शन ये इतना है, तो ऑटोमेटिकली ये भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये एक्स इतना मैंने एक्स माना था, तो ये हिस्सा कितना बचा, 15 माइनस एक्स, तो ये नीचा वाला हिस्सा ही 15 माइनस एक्स हुआ। अब हुआ क्या, 15 माइनस एक्स में जब मैं जोड़ूंगा कितना, 10 माइनस 17 प्लस एक्स, वही तो आंसर रहेगा। तो 15 माइनस एक्स, माइनस का 7 प्लस का एक्स, एक्स से एक्स गया, 15 में से 7 गया 8। तो यही आपने पूरा बड़ा मेथड यूज करके निकाला 8, वही मैंने आपको डायरेक्ट छोटे ट्रिक से बता दिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, घबराइएगा मत क्वेश्चन को देख के, और एकदम क्वेश्चन पे टूट करिएगा, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड है, एक क्वेश्चन और आपको होता है ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, सपोज करिए ये सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए मैं थोड़ा इस पर जोर दे के आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि वीडियो बड़ी करने के लिए ऐसा करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए 13 है, मान लीजिए 10 है, ये मान लीजिए 18 है, ठीक है। हमारे से ये साइड पूछी है, तो फंडा के मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाले को लिख लीजिए एज इट इज, ठीक है। अब ये देखिए, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा नीचे वाला है ये, ठीक है। नीचे वाला तो प्लस लिख लीजिए, और दोनों को माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस करा तो 8 आएगा, 8 और 13 21, इसका आंसर 21 आएगा। अब तरीका क्या है, देखिए ये एक्स, तो ये वाला पार्ट एक्स हुआ, ये वाला नीचे वाला पार्ट कितना हुआ, ये पार्ट हुआ 10 माइनस एक्स। अब नीचे वाला पार्ट 10 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी ऑटोमेटिक 10 माइनस एक्स हुआ। और इस तरफ वाला पार्ट कितना रहा, इस तरफ वाला पार्ट रहा 18 माइनस 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 प्लस एक्स हुआ। अब 18 में से 10 गए तो 8 प्लस एक्स रह गया, यानी कि ये वाला पार्ट 8 प्लस एक्स रहा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट भी 8 प्लस एक्स हो गया आपका। अब ये 8 प्लस एक्स है, ये कितना बचा, ये बचा आपका 13 माइनस एक्स, तो ये है आपका 13 माइनस एक्स, ठीक है। तो 13 माइनस एक्स ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है 8 प्लस एक्स, दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स से एक्स कटा, 13 में 8 जुड़े तो 21। तो इस तरीके से आंसर तो मैंने आपको पहले ये बता दिया कि 21 ही आना है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक नंबर का आ सकता है। अगर सोल्व करने के लिए तो दो में भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, एक्चुअली हो कैसे रही हैं चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।